वहीं भिवानी जिले में धान की कटाई लगभग शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में किसानों का पराली जलाना भी लाजमी है। लेकिन सरकार के आदेशों के बाद प्रशासन ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया है और किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे उम्मीद है कि अच्छे परिणाम देखने को मिले। भिवानी में धान की कटाई शुरू हो चुकी है, तो लाजमी है कि फसलों की पराली भी निकलेगी। ऐसे में अधिकतर किसान पराली को आग के हवाले कर देते थे, लेकिन अब किसान ये मान रहे हैं कि उन्हें पराली नहीं जलानी चाहिए। अगर पराली जलेगी तो प्रदूषण होगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। सरकार ने किसानों को पिछले साल जागरूक किया था कि वे पराली न जलाएं, और इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे। जहां किसानों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई है, वहीं कई किसानों ने पराली न जलाने का फैसला भी किया है। वहीं अब इस बारे में भिवानी के किसानों से बात की गई, तो उनका कहना है कि इस बार वो पराली नहीं जलाएंगे, और तो और वो अपने किसान भाइयों को इस बारे में भी जागरूक करेंगे, ताकि कि वे भी इसे न जलाएं। इससे न केवल वायुमंडल प्रदूषित होता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। या पशुआ का काम आ सके है, इसने जलाना बंद करें, आराम भी नहीं जलान दे, और इसने कटुआ के सानी कटुआ के पशुआ के लिए भी इस्तेमाल करी जा सके है, और नहीं तो फिर अपनी किसानी कटवाओ और पानी में पानी दे दो, पानी लगने के बाद में इसकी खाद बढ़िया लग जाए, इसमें अनाज भी बढ़िया होगा और कीटाणु भी बच जाएंगे हमारे। आग लगाने से नुकसान क्या क्या थे? आग लगाने से नुकसान हुआ, सबसे पहले तो इसका प्रदूषण फैलेगा, दूसरी बात यह इसका जोश है, ये जो हमारे कीटाणु हैं, मित्र कीटाणु ये सारे जल जाएंगे और खाद भी कम हो जाएगी, इस तरह किले में नुकसान होगा ही होगा। वहीं भिवानी के उपमंडल अधिकारी नागरिक सतीश सैनी का कहना है कि पराली न जलाए, इसके लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, साथ ही किसानों को इसके फायदे भी गिनवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग भी गांव-गांव में जाकर लोगों को समझा रहा है। नुकसान बहुत है, देखिए पर्यावरण सबके लिए जरूरी है, शुद्ध हवा नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, और भिवानी में जो है पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम है, पिछले साल भी बहुत कम थी, और उसकी वजह एक तो ये है कि हमारे एरिया में धान कम होता है, भवानी खेड़ा को कुछ एरिया को छोड़ दें और पूर्व और उसके आसपास का इलाका जहाँ पर पैडी थोड़ी सी होती है, वहाँ पर भी किसान उसको बहुत कम जलाते हैं। पिछले साल में केवल 2 इंसिडेंट हमारे यहाँ नोटिस में आए थे और दोनों में हमने कार्रवाई भी की थी, और इस बार भी हमारे एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से सभी को जागरूक भी किया गया है, वैंस भी चलाई गई हैं, पंचायतों में जाकर संदेश दिए गए हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, खास तौर पर उन एरियाज में जहां पिछली बार से कुछ शिकायतें आई थी, और लोगों का पूरा कोऑपरेशन भी है। अपील हमारी यही है सभी को कि हवा को शुद्ध रखना हम सब का दायित्व है, और हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो। भिवानी में काफी हद तक किसान अब जागरूक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि वायु प्रदूषण न हो। अब देखना यह है कि इस बार किसान सरकार की जागरूकता से जागरूक होते हैं, या फिर इस बार भी हरियाणा में धुआं धुआं दिखाई देगा और राजधानी में बैठे लोग हरियाणा को जिम्मेदार ठहराएंगे। भिवानी से इंद्रदेश दोहन की रिपोर्ट।